अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए मेरे साथ, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। देखिए, इतना पढ़ने से अल्लाह ताला खुश हो गया और अल्लाह ताला को ये जुमले बहुत पसंद भी हैं। नंबर दो, एक हदिया मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह लैला फ़ी कुरैश पढ़ने की आदत डालिए। इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी अल्लाह ताला बहुत 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 देगा। ये बहुत मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब है। अब लेकिन ये नुस्खा जो मैंने बताया है, ये हदीसों में नहीं है, तजारिब सालहीन है, नेक लोगों का तजर्बा है, जो क़यामत तक ये मामला चलता रहेगा। मैंने मेरी किताब बिखरे मोती में भी कई जगहों पर इस चीज़ को लिखा है। हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा ले इलाफ़ कुरैश पढ़ने की आदत डाल दीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का भी इंतज़ाम कर और हलाल रोज़ी का भी इंतज़ाम कर। ए पहाड़ों के वज़नों को जानने वाले, पढ़िए मेरे साथ, ए पहाड़ों के वज़नों को जानने वाले, ए समंदरों के पैमानों को जानने वाले, ए कव्वे के बच्चे को उसके घोंसले में रोज़ी पहुंचाने वाले, ए बारिश के कतरों की तादाद को जानने वाले, ए हवाओं के रुखों को मुकर्रर करने वाले, ए वो पाक ज़ात हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती, तेरी आंख हर वक्त हमें देखती है, ए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाले, ए कव्वे के बच्चे को उसके घोंसले में रोजी पहुंचाने वाले, ए रात रात का अंधेरा भी आपकी तारीफ बयान करता है, दिन का उजाला भी आपकी तारीफ बयान करता है। ए अल्लाह, इस उम्मत की इज्तमाही और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।